गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के हम फर्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन स्टेटमेंट है, द ओजोन लेयर इज अ रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। ओजोन लेयर कौन सी है, कहाँ पे होती है ओजोन लेयर? ओजोन लेयर होती है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो ओजोन लेयर पे ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओजोन लेयर में नाम से पता चल रहा है। तो ये वाली जो लेयर है ओजोन की, ये कहाँ पे होती है? सिट्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 10 to 50 किलोमीटर। तो 10 to 50 किलोमीटर के बीच में कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में होती है ओजोन लेयर, विद द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर। अब देखो, जो एटमोसफेयर की लेयर्स है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, तो सबसे जो नीचे वाली लेयर है वो कौन सी लेयर है? वो है ट्रोपोस्फेयर की लेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है फिर मीजोस्फेयर की लेयर। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? इसका जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से लेकर 9 to 16 किलोमीटर तक का है ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे जाता है? ये 16 से ऊपर 50 किलोमीटर तक जाता है। यहाँ पे 50 किलोमीटर तक जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर की है। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है, इसी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में एक और लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर का काम क्या है? ये जो ओजोन लेयर है, ये हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करती है ओजोन की लेयर। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में आती है और इसकी जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो 25 किलोमीटर में होती है। वैसे जो ओजोन लेयर है वो पूरे स्ट्रेटोस्फीयर में ही है, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे है? वो है 25 किलोमीटर पे, राइट। फिर रीजन क्या दे रखा है? इन रीसेंट ईयर्स साइंटिस्ट हैव मेजर्ड अ सीजनल थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्राइमरली एट साउथ पोल। साउथ पोल पे आपने सुना होगा, जो अंटार्कटिका रीजन है वहाँ पे क्या हुआ है? ओजोन होल हो चुका है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, साउथ पोल पे साइंटिस्ट ने देखा है कि ओजोन की लेयर थिन हो गई है। तो वहाँ पे ये जो थिनिंग वाला फिनोमेना है, इसको क्या बोलते हैं? ओजोन होल। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है इंडिविजुअली ट्रू है एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अ स्वीयर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर कुड लेड टू द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट। अब देखो, ओजोन लेयर में जब ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ेंगे? अब देखो, हमने पढ़ा है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन लेयर जब थिन हो जाएगी या ओजोन होल हो जाएगा तो उससे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे? तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, अ लार्ज इंक्रीज इन कैटारैक्ट्स एंड सनबर्निंग। अब देखो, ओजोन लेयर थिन हो जाएगी तो सन रेज डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगी, तो उससे सनबर्निंग जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। कैटारैक्ट्स की प्रॉब्लम आ सकती है, आईसाइट की प्रॉब्लम आ सकती है अगर ओजोन लेयर थिन हो जाएगी तो। बाय एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्रॉप्स एंड एनिमल्स, क्रॉप्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा और एनिमल्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा जब सनलाइट डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगी। तो बी वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। सी क्या है, कूलिंग ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर एंड पॉसिबली सम सरफेस क्लाइमेटिक इफेक्ट्स। अब देखो, ओजोन लेयर अगर थिन होएगी तो उससे क्या है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है उस पर भी क्लाइमेटिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑल दी अबव, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस आर गैसेस लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर्स, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, ये थर्मल एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है, एमिटेड बाय अर्थ, क्रिएटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो सोलर एनर्जी अर्थ पे पहुंचती है ना, वो सोलर एनर्जी को ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। वो जो सोलर एनर्जी अर्थ पे पहुंचती है, जो हीट अर्थ पे पहुंचती है सन की, उस हीट को ये ट्रैप कर लेती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे क्या है, इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन आती है। अब देखो फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक गाड़ी खड़ी है, धूप में खड़ी है एक गाड़ी, ठीक है। अब उसके शीशे वगैरह सब कुछ बंद है। अब ये जो गाड़ी है या कोई भी, या ग्लास का कोई बॉक्स आप ले सकते हो या फिर कोई गाड़ी है, तो ये इसके बिल्कुल शीशे, मिरर्स वगैरह जो भी है वो सारे बंद है, खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ बंद है इसके। तो अब इसमें क्या होगा, जो सन की हीट है इसके अंदर जाएगी, ठीक है, और इसके जो अंदर सन की हीट जाएगी तो वो यहीं पे ट्रैप हो जाएगी, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी। जब बाहर नहीं निकल पाएगी, ये जो सन की हीट है बाहर नहीं आ पाएगी, अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, अंदर ट्रैप हो जाएगी, तो इससे क्या है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, वार्म हो जाएगा। आपने देखा होगा गाड़ी कई बार आप धूप में खड़ी करके कहीं काम के लिए दुकान पे या कहीं पे चले जाते हो, जब वापिस आकर गाड़ी की खिड़की खोलते हो तो गाड़ी अंदर से पूरी गर्म होती है। क्यों गर्म होती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर हीट ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं जाती, गाड़ी के अंदर ही आती है। तो सेम गोज विद ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो सन की एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है, एटमॉस्फेयर से बाहर जाती ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे अर्थ जो है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। अर्थ वार्म होती है, यूनिवर्स वार्म नहीं होएगा। यूनिवर्स में तो आउटर स्पेस भी आ जाएगी ना, बाकी के प्लैनेट्स भी आ जाएंगे, ये सिर्फ अर्थ का फिनोमेना है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड वाटर कैन स्टोर मोर हीट एनर्जी देन द इक्वल अमाउंट ऑफ एनी अदर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस बिकॉज लिक्विड वाटर हैज द हायर स्पेसिफिक हीट। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है कि किसी भी लिक्विड का पर ग्राम जो है वो कितनी हीट अब्सॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो जो लिक्विड वाटर है वो ज़्यादा हीट स्टोर करता है, तो इसीलिए इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर करता है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, राइट। नेक्स्ट, अ मैप व्यू ऑफ सरफेस एयर मूवमेंट इन ए लो प्रेशर सिस्टम इज शोन बिलो, द एयर नियर द सेंटर ऑफ दिस लो प्रेशर सिस्टम। अब देखो समर्स में क्या होता है, अर्थ पे लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के किसी भी पार्ट पे समर्स में क्या होता है, जहाँ पे समर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। अब देखो अर्थ के सरफेस पे जब लो प्रेशर सिस्टम बनेगा तो हवा क्या होएगी, लाइट हो जाएगी। जब एयर लाइट हो जाएगी तो क्या करेगी, ऊपर को उठेगी, ऊपर को मूव करेगी। जब हवा ऊपर को मूव करेगी, ऊपर को राइज करेगी, तो उससे क्या है, ऊपर जाकर हवा क्या होगी, एक पॉइंट पे जाकर हवा जो है वो फिर से ठंडी होगी। ठंडी होगी तो उससे क्या है, कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन होगी और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है। तो अब इससे लो प्रेशर सिस्टम से क्या होता है, हवा लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर को उठती है, ऊपर जाके कंडेंसेशन होती है तो क्लाउड्स बनते हैं, तो उससे बारिश होती है अल्टीमेटली। तो इससे क्या होता है, राइज एंड फॉर्म क्लाउड्स। साइक्लोन्स वगैरह में यही होता है, जो साइक्लोन चलते हैं तो साइक्लोन के सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। अब ये साइक्लोन के सेंटर में जो लो प्रेशर होता है ना, इसी की वजह से जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है वहां पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज लिस्ट ऑफ क्लाइमेटिक जोन इज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिट्यूड स्टार्टिंग विद वन नियरेस्ट द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ का यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, इक्वेटर आ गया। तो इक्वेटर से जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो कौन कौन सी क्लाइमेटिक जोन्स आती है, तो सबसे पहले इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होएगा। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक्स के पास जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर ये जो ट्रॉपिक्स के आसपास वाला रीजन है ना, जो ज़्यादातर वर्ल्ड के डेजर्ट्स है वो यहीं पे लाई करते हैं। फिर उसके ऊपर आ जाता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पे विंटर्स में बारिश होती है, और यहाँ पोल पे आ जाता है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट।
फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेजर द वेदर. फर्स्ट क्या है, थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर होता है दो तरह का, कौन कौन सा, एक होता है क्लिनिक थर्मोमीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अब ये जो क्लिनिक थर्मोमीटर है इससे हम चेक करते हैं बॉडी टेम्परेचर, और ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसमें हम लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें जो केमिकल्स का टेम्परेचर चेक करना होता है तो उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है. तो ये जो थर्मोमीटर है इसको वेदर कंडीशंस चेक करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है. फिर सेकंड आ गया बैरोमीटर. अब बैरोमीटर जो है इसको यूज किया जाता है प्रेशर चेक करने के लिए. कौन सा प्रेशर, एयर प्रेशर. ठीक है, एयर प्रेशर चेक करने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर को. ऑल्टीमीटर यूज किया जाता है किसी भी जगह का ऑल्टीट्यूड चेक करने के लिए. ठीक है, एनीमोमीटर यूज किया जाता है विंड स्पीड चेक करने के लिए. ठीक है, और ये जो तीनों चीजें हैं, प्रेशर, एयर प्रेशर हो गया, ऑल्टोमीटर ऑल्टीट्यूड चेक करने के लिए, एनीमोमीटर विंड स्पीड, तो ये तीनों के तीनों जो है, बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर एंड एनीमोमीटर, इनको वेदर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्मोमीटर. ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से टिक लगा दी. जो वेदर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता वो है थर्मोमीटर. बाकी की तीनों चीज़ें हैं जो है इसको वेदर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर एंड एनीमोमीटर. राइट, नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद प्रेसिपिटेशन विच इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट के बारे में बताना है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है. एयर इज सैचुरेटेड एट ड्यू पॉइंट. अब देखो ड्यू पॉइंट पे एयर सैचुरेट होती है तो उसके बाद क्या होता है, जब एयर प्रॉपर सैचुरेटेड हो जाती है तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है. प्रेसिपिटेशन इज एनी मॉइस्चर दैट फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स. आप देखो बादल बनते हैं, बादल में से पानी बरसता है, जो पानी बरसता है उसी को तो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, तो बी वाली स्टेटमेंट भी सही है. थर्ड क्या है, रिलीफ रेनफॉल अकर्स ओनली इन समर्स. तो रिलीफ रेनफॉल क्या होती है, रिलीफ रेनफॉल समर्स में, वही जब लो प्रेशर बनता है माउंटेन वाले एरियाज में, जब लो प्रेशर बनता है तो उससे क्या है, हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठ के क्लाउड्स बनाती है, कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं और अल्टीमेटली पानी बरसता है. ठीक है, रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो सी वाली स्टेटमेंट भी सही है. डी क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल ओनली अकर इन द समर मंथ्स इन यूके. तो ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है जरूरी नहीं कि यूके के समर मंथ्स में ही हो, बाकी के पार्ट्स में भी समर मंथ्स में कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है. तो जो डी वाली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. राइट, फिर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम. इसमें एटमॉस्फेयर अर्थ के क्लाइमेट में ही आता है, एटमॉस्फेयर अर्थ का पार्ट ही है. सोलर स्फीयर, सोलर स्फीयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्थ, ये सन का पार्ट है. हाइड्रोस्फीयर अर्थ का ही पानी वाला जो पार्ट, ओशियन सीज वाला पार्ट है, अर्थ का पार्ट है. सॉलिड अर्थ, लिथोस्फीयर वाला, कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट हो गया, ये भी अर्थ का ही पार्ट है. तो इन चारों में से अर्थ का पार्ट कौन सा नहीं है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम का, वो है सोलर स्फीयर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नेचुरल कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इरोजन ऑफ द लैंड. अब देखो जो लैंड इरोजन होती है तो लैंड इरोजन से रिवर्स वगैरह की सिल्टेशन होती है, रिवर्स पोल्यूट होती है, रिवर्स पोल्यूट होती है, तो इससे जो मरीन एनिमल्स है उस पर इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट क्लाइमेट पे नहीं पड़ता. तो ए आ जाएगा हमारा आंसर. तो बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं. प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स से क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं, माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं. अब इससे क्या होता है, अब देखो माउंटेन बनेंगे तो क्लाइमेट चेंज होएगा, जो माउंटेन वाला एरिया है वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, प्लेन एरियाज का क्लाइमेट अलग होता है. तो प्लेट टेक्टोनिक्स से माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी होती है तो उससे क्लाइमेट चेंज होता है. वॉल्केनिक इरप्शन होती है, जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है. तो वॉल्केनिक एक्टिविटी भी इसी में आ जाती है, इससे भी क्लाइमेट चेंज होता है. सोलर वेरिएबिलिटी, अब सन रेज अर्थ पे पहुंच रही है, अब कहां पे कितनी पहुंच रही है उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज होता है. तो बी सी डी तीनों की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन लैंड इरोजन से क्लाइमेट चेंज नहीं होता. नेक्स्ट, द केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. केमिकली इनएक्टिव गैस कौन सी है, वो है आर्गन.
आर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18। ये क्या है, एटॉमिकली स्टेबल गैस है जो आर्गन है, इसीलिए ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, ये एक इनर्ट गैस है। आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये इनर्ट गैसेस में आती है। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो कितना है, 10 है, तो नियॉन क्या है, वो भी एक इनर्ट गैस है। ठीक है, फुली फिल्ड कॉन्फिग्रेशन है उसकी, आर्गन की भी फुली फिल्ड कॉन्फिग्रेशन, एक स्टेबल गैस है दोनों, नियॉन आर्गन, इसीलिए ये किसी दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस बोला जाता है। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है, इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती है जो किसी दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है, बाकी की जो है वो केमिकली एक्टिव गैसेस है। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड डैश इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमोसफेयर। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर वेपर्स मिल जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा, तो उससे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा ही होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर वेपर मिल जाते हैं तो उससे क्या है, एटमोसफेयर का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी इंटेंस हो जाता है। राइट, नेक्स्ट, व्हेन डिटरमिनिंग द क्लाइमेट चेंज ऑक्सीजन आइसोटोप्स मेजरमेंट्स आर मेड फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ ग्लेशियर आइस। अब ऑक्सीजन आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर नंबर अलग हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो जब हम क्लाइमेट चेंज को, जब हमारे जो साइंटिस्ट है वो क्लाइमेट चेंज को डिटरमाइन करते हैं तो उस टाइम पे वो ग्लेशियर आइस के ऑक्सीजन आइसोटोप्स को मेजर करते हैं और उसी आइसोटोप की एनालिसिस के बेसिस पे वो ये बात बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना हुआ है और आगे कितना होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग भी करी जाती है ऑक्सीजन आइसोटोप्स की मेजरमेंट से। नेक्स्ट, द प्राइमरी इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन का प्राइमरी इफेक्ट क्या पड़ता है क्लाइमेट पे, अब देखो जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो इससे क्या है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है। ठीक है, अब बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलेगी, उनमें से वाटर वेपर भी एक गैस है। अब वाटर वेपर जब वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है तो वाटर वेपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो उससे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन का जो प्राइमरी इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ग्रीन हाउस वार्मिंग। ग्रीन हाउस वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फर्स्ट क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है वो भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, अब देखो जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी तो उससे क्या है, जो वाटर रिसोर्सेज है वो चेंज होंगे, उनमें ऑल्टरेशन आएगी। सेकंड क्या है, अ न्यू वेदर पैटर्न। अब वेदर पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो वेदर पैटर्न चेंज होएगा ही होएगा, किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, किसी जगह का कम हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग वेदर पैटर्न भी चेंज होगा ही होगा। अराइजिंग सी लेवल, सी लेवल भी बढ़ जाएगा। सी लेवल देखो कैसे बढ़ेगा, अब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के साथ जो वाटर है ना वो एक्सपैंड कर जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वाटर का तो वाटर एक्सपैंड कर जाता है, वाटर एक्सपैंड होएगा तो उससे क्या है, सी लेवल भी राइज हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ स्लो वॉबलिंग ऑफ अर्थ एज इट स्पिन ऑन इट्स एक्सेस इज। वॉबलिंग क्या होती है, मूवमेंट, अर्थ की जो स्लो मूवमेंट होती है इसकी एक्सेस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिसेशन। एपिहीलियन क्या होता है, एपिहीलियन जब अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जो अर्थ की सन से फार्थेस्ट पोजीशन होती है उसको बोलते हैं एपिहीलियन। पेरिहीलियन क्या होता है, जो पास वाली पोजीशन होती है, नियरेस्ट पोजीशन होती है अर्थ और सन की, उसको बोलते हैं पेरिहीलियन। एक्सटेंशन इज अ डिफरेंट थिंग। एसेंट्रिसिटी की बात करें, एसेंट्रिसिटी क्या होती है कि जो अर्थ सन के आसपास घूम रही है तो अर्थ सन के आसपास एक सर्कुलर पाथ में तो घूम नहीं रही, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। तो जिस ऑर्बिट में अर्थ सन के आसपास घूम रही है उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो अर्थ की जो एसेंट्रिसिटी है, जो प्रेजेंट एसेंट्रिसिटी है वो है कुछ 0.01671 है अर्थ की एसेंट्रिसिटी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड।
अब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से इसका लेवल इंक्रीज होता है? रेफ्रिजरेंट लीकेज की बात करें तो रेफ्रिजरेंट लीकेज से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गई, ये वाली गैसेस निकलती है रेफ्रिजरेंट लीकेज से, या एसी की लीकेज होती है उससे निकलती है। लार्ज राइस पैडीज की बात करें तो लार्ज राइस पैडीज से जो मेजर गैस निकलती है वो है मीथेन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है राइस पैडीज से, या फिर मीथेन गैस रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होती। एयरोसोल स्प्रे की बात करें तो एयरोसोल स्प्रे से जो गैसेस निकलती है वो क्या है? ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, आइसोप्रोपेन हो गया, तो ये गैसेस निकलती है एयरोसोल स्प्रे से। लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, हम जंगलों को काट देते हैं और ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये जो ट्रीज हैं, ये ट्रीज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, उससे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर की वो कम होती है। लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को ही काट देंगे, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ कम अब्सॉर्ब करेंगे, तो उससे क्या है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा जब हम पेड़ पौधों को काटने लगते हैं। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी ऑफ क्लाइमेट चेंज? अभी देखो ये एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है, तो जो थ्योरी है, थ्योरी में जो लिखा है हमें वही बताना पड़ता है। तो इसमें ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ एक्सेस, अर्थ की एक्सेस, अर्थ अपनी एक्सेस पे कितना टिल्टेड है उसको बोलते हैं ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ एक्सेस, ये भी इसमें आता है। प्रिसेशन ऑफ अर्थ एक्सेस, अर्थ अपनी एक्सेस पे इस मूवमेंट पे घूम रही है, तो वो भी आता है इसी थ्योरी में। सेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ अपने ऑर्बिट में किस पाथ में घूम रही है, एलिप्टिकल पाथ है, और कितना वो सर्कुलर है कितना नहीं है, तो वो भी इसमें आता है। तो तीनों पॉइंट्स ही इस थ्योरी में आते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द कंबस्शन ऑफ कोल एंड ऑयल इज ए मेजर सोर्स ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस? कोल एंड ऑयल को जब हम जलाते हैं तो इसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलती है इसमें से, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से निकलती थी? राइस पैडी से। मीथेन, ये भी राइस पैडी से। CFC, रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह से रिलीज होती है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द क्लाइमेट इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। अब देखो यूरोप कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न का भी जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ द लैंड टू द नॉर्थ। ठंडा क्लाइमेट है वहाँ का, जो नदर्न पार्ट की लैंड है उससे ठंडा है यहाँ का क्लाइमेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ईस्टर्न यूरोप का, राइट। नेक्स्ट, असर्शन, आउट इन स्पेस द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। अब देखो जब हम अर्थ में खड़े होकर, अर्थ पे खड़े होकर हम स्काई की तरफ देखते हैं, तो हमें स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो ब्लू कलर है ना, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और ये एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस होती है, तो उसमें ये जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर कर जाती है शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से, इसीलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। वहीं जब हम स्पेस में जाकर स्काई को देखते हैं, तो वहां पे तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं है कि जो लाइट स्कैटर कर जाए। अब एटमॉस्फेयर नहीं है, इसी वजह से जो स्काई है स्पेस से वो डार्क एंड ब्लैक दिखाई देता है। तो यहाँ पे रीजन वाली जो स्टेटमेंट है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, ये भी सही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू रे लाइट स्कैटरिंग। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने बताया कि ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि ब्लू कलर जो है इसकी शॉर्ट वेवलेंथ है। रीजन क्या है? अ लाइट मूव्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, मोस्ट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ पास स्ट्रेट थ्रू। अब जब लाइट मूव करती है एटमॉस्फेयर में से, तो जिन कलर्स की लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो सीधा स्ट्रेट पास कर जाते हैं, इसीलिए वो विजिबल नहीं होते। जिन कलर्स की शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जैसे ब्लू कलर हो गया, वो स्कैटर कर जाते हैं, इसीलिए वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रोपोस्फियर इज आर करेक्ट। अब ट्रोपोस्फियर के बारे में हमने बताना है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अप टू 16 किलोमीटर, इक्वेटर पे 16 किलोमीटर तक होती है और पोल्स पे 9 किलोमीटर तक होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चेंजिंग कंडीशन इन ट्रोपोस्फेयर रिजल्ट्स इन वेदर, अब देखो ज़्यादातर जो वेदर फिनोमेनास होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, तो इसीलिए जो अगर वेदर कंडीशंस चेंज होएगी, ट्रोपोस्फेयर की कंडीशंस चेंज होएगी, तो ट्रोपोस्फेयर में वेदर कंडीशंस भी चेंज होएगी ही होएगी, क्योंकि वेदर जो फिनोमेनास है वो सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, मोस्टली जो फिनोमेनास है ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है एंड कंटेन्स मोर एयर मॉलिक्यूल्स देन ऑल द अदर लेयर्स कम्बाइंड, तो सी वाली स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑल द अबव। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में दो फैक्ट्स भी पता है तो आप इसका आंसर बता सकते हो, अगर दो स्टेटमेंट्स भी सही आ रही है तो इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द अबव, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर इज आर ट्रू, आप स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, एक्सटेंड आउट टू अबाउट 50 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक होती है, ट्रोपोस्फेयर 8 टू 16 किलोमीटर तक होती है, मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर तक होती है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था इनका डिस्टेंस कितना कितना है, तो ए वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। द बॉटम ऑफ दिस लेयर इज काम, अब देखो जो स्ट्रेटोस्फीयर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर वाली है ना एरिया, वो बिल्कुल काम एरिया होता है, क्योंकि जितनी भी वेदर कंडीशंस है, वेदर फिनोमेनास है, वो सारे ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, तो जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर वाला पार्ट होता है वो काम होता है, वहां पे कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारे जेट प्लेन्स है, एरोप्लेन्स है, वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं, सो दैट की बैड वेदर कंडीशन से वो बच सके, क्योंकि अगर ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर में तो बहुत सारी बैड वेदर कंडीशंस भी आती है, लाइक कभी रेनफॉल हो रही है, कभी थंडरस्टॉर्म हो रहा है, कभी हवाएं चल रही है तेज तेज, तो जिसकी वजह से क्या है, डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, इसीलिए जो जेट प्लेन्स है वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। सी वाली स्टेटमेंट, अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर होल्ड्स द हाई विंड्स नोन एज जेट स्ट्रीम, अब स्ट्रेटोस्फीयर का जो अपर पार्ट है वहाँ पे चलती है बहुत तेज हवाएं, जिनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स, और ये जो जेट स्ट्रीम्स है ये हॉरिजॉन्टली चलती है और इसकी स्पीड होती है 480 किलोमीटर पर आर की, ठीक है, तो इसमें ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है, तो ऑल द अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट असर्शन, ऑल्दो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज एट मोस्ट 12 पार्ट्स पर मिलियन, इट्स वेरी इफेक्टिव एट अब्सॉर्बिंग द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन एंड प्रोटेक्टिंग द अर्थ, तो ओजोन लेयर क्या करती है, जितनी भी सन से हार्मफुल यूवी रेज आती है उसको अब्सॉर्ब करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ पे, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ओजोन की, 12 पार्ट्स पर मिलियन, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसी वजह से ये हार्मफुल यूवी रेज को अब्सॉर्ब करती है। रीजन में क्या दिया है, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, ओजोन का फॉर्मूला क्या है O3, मतलब ओजोन में 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वही जो ऑक्सीजन जिसमें हम ब्रीथ करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है O2, मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ऑप्शन B आ जाएगा आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।